यहाँ कम कर रहा हूँ. अलग उठ के नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो हर एक मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी की है. लगता है कि हम लोग 1938 में पहुंच गए. काफ़ी वहाँ का सब माहौल दिखाया है. तो पिक्चर मतलब अलग हट के क्या इंसाफ कर पाए मंटो के साथ. मंटो लगेंगे नवाज. हाँ मंटो लगे. उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा रन जो था वो पूरा अच्छे से निभाया है. अच्छी फिल्म. नवाजुद्दीन साहब ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है. डायरेक्शन भी अच्छे हैं, गाने भी अच्छे हैं. अच्छी लगी. बहुत अच्छी करती है नवाजुद्दीन सर. जो भी एक्टिंग देती है उनकी नेचुरली एक्टिंग लगती है तो अच्छा लगता है उनको देखने में. क्या लगा है उस एरा में पहुंच गए हम जिस वक्त ये सब बोला था. सॉरी क्या आपको लगा उस वक्त में पहुंच गए जिस वक्त ये सब बोला था 47. हाँ ऑब्वियसली जब मूवी देखते हैं तो वहाँ पहुँच ही जाते हैं. सॉरी नवाज की एक्टिंग के बारे में. अच्छी लगती है मुझे उनकी एक्टिंग. जो रहती है एकदम नेचुरली एक्टिंग करते हैं और अच्छा लगता है. नीम के पत्ते कड़वे ही सही मगर खून साफ कर देते हैं. मुझे लगता है ये फिल्म भी ऐसी है. थोड़ी कड़वी है थोड़ी मीठी है और बहुत सच्ची है. और नंदिता दास हैट्स ऑफ. और नवाजुद्दीन साहब तो मतलब बहुत ही कमाल. मतलब ये रोल के लिए नवाजुद्दीन ने एक्टिंग करना चाहिए. मतलब ऐसे लगा कि मतलब ये उनके लिए ही बना हुआ है ये रोल. बहुत अच्छा लगा. और बाकी भी फिल्म बहुत अच्छी है. नवाजुद्दीन आपने मंटो जिया है बहुत ही बखूबी से जिया है. और ये फिल्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है. ये फिल्म बहुत पहले आनी चाहिए थी लेकिन अगर आप आई हैं तो आप तो देखना ज़रूरी है तो देख लो. ओके क्या नवाज नहीं लगे मंटो लगे. क्या नवाज ना लगे मंटो लगे. बिल्कुल नवाजुद्दीन बिल्कुल ही मंटो उन्होंने जिया है और मंटो ही लगे हैं वो. वो किसी भी एंगल से नवाजुद्दीन नहीं लगते. बस वो हर किरदार हमेशा जीते हैं वैसे ही ये फिल्म भी उन्होंने जीती है. और नेशनल इंटरनेशनल बहुत अवार्ड्स मिलेंगे. और अवार्ड्स तो अलग बात है लेकिन उनके काम को बहुत सराहा जाएगा. और बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस है उनका. मंटो को सिर्फ पढ़ा था मैंने लेकिन फिल्म देख के लगा कि वाकई जो मंटो को पढ़ा था और जिस तरह से उनको मैंने सोचा था वो उसी तरह का बेबाकी के साथ उनको जो इस फिल्म में दिखाया गया है. नवाज ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है. उनकी कहानियों के जो किस्से बीच बीच में बुने गए हैं कहानियों में जो नंदिता दास ने दिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन है. आई रियली लव द फिल्म. ओके क्या आप मानती हैं कि नवाज को देखते वक्त लगा नहीं नवाज को देखने मोर ऑफ अ मंटो. नवाज उसी बात के लिए जाने जाते हैं कि वो हर किरदार को जी लेते हैं. तो ये तो मैं आँख बंद करके कह सकती हूँ कि नवाज ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है क्योंकि नवाज से उम्मीद ही ये की जाती है कि जो वो किरदार करे उसमें एकदम घुस जाते हैं. तो उन्होंने इस किरदार को बहुत बखूबी निभाया है. ये तो नहीं बताऊंगी मैं. अच्छा आखिरी क्या डायरेक्शन वाइज लुक वाइज जब हम बात करते हैं. नहीं जो सिनेमाटोग्राफी है घोष की मैं नाम भूल गई शायद ऋतु घोष और जो आर्ट डायरेक्शन किया उन्होंने सिनेमाटोग्राफी की है बहुत ही अच्छी है. उस समय का जो भारत है दिखाया गया है अविभाजित हिंदुस्तान विभाजन वाला हिंदुस्तान और लाहौर. तो जो जितना भी हम लोगों ने फिल्में अभी तक देखा है मतलब मान सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन रिसर्च के बाद जो है दिखाया गया है. कैसी लगी फिल्म क्या कहना चाहिए. मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी. सदा था मंटो की बात करें तो जिस तरह का किरदार नवाज ने निभाया है मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई इस तरह का किरदार नवाज के अलावा कोई और अभिनेता निभा पाता. क्या आपको लगता है कि नवाज नहीं थे स्क्रीन पे मंटो नजर आते हैं जब आप फिल्म देखते हैं. ज़रूर कहीं ना ऐसा कहीं मुझे नहीं लगा किसी भी सीन में कि मैं मंटो नहीं नवाज को देख रही हूँ.
क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ पूरी फिल्म में सिर्फ मंटो ही नज़र आए, जिस तरह के हाव भाव वो दे रहे थे, जिस तरह की बातें कर रहे थे, जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं आज की तारीख में बैठकर मंटो को ही ऑन स्क्रीन देख रही हूँ, नवाज को नहीं। ओके, नंदिता के डायरेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे, और खास करके जो एरा उन्होंने एस्टेब्लिश किया बहुत रियल स्पेस में ले जाता है। जाहिर सी बात है, कहीं भी हम ऐसा नहीं लगता कि हम उस एरा से बाहर आ गए हैं। एक एक चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है, मतलब बैकग्राउंड से लेके, साउंड से लेके, जो लोकेशंस से लेके, हर चीज़ का उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा सा ध्यान दिया है। और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अपनी फिल्म के साथ किसी भी तरह का सेक्रीफाइस किया है। बहुत कह सकते हैं कि दिल से बनाई हुई फिल्म है, और एज ए दर्शक मैंने भी उसको कनेक्टिविटी देखी और दिल से उसे पसंद किया। 5 में से 4 चार भी मुझे लगता है कम है, 4.5 तो दे ही देना चाहिए, जिस तरह का, जिस तरह की मेहनत उन्होंने की इस फिल्म के साथ। दिख रहे होंगे। डोंट गिव लाइक कुना। ओके, कैसी लगी मंटो, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी लगी, मतलब द मूवी टेक्स यू टू दैट एरा, इट इज़ंट अबाउट नवाजुद्दीन बट मंटो इटसेल्फ। तो मतलब ऐसा लगा मैं वहाँ पहुँच गई थी, ऐसा लगता नहीं है मूवी देख रहे हैं। और मूवी बहुत रियल स्पेस में की है, सब मतलब छोटी सी छोटी चीज़ वो टाइम में जैसी थी वैसी है, और मूवी इंडिया में और पाकिस्तान में है, तो वो टाइम की बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। क्या मंटो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ऑन स्क्रीन देखते हुए क्या आपको लगा कि नवाज़ थे या मंटो ज़्यादा नज़र आया? नवाज़ कम और मंटो ज़्यादा नज़र आया। एक्चुअली नवाज़ सर बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स कर चुके हैं, तो उन्हें देख के ऐसा उनका एहसास कम और मंडो का एहसास ज़्यादा होता है। कितने स्टार देंगे? 4.5।